अगर ये समझती है तहरीक इंसाफ की तहरीक लबैक का मुतालबा ठीक है तो हम उनको दावत देते हैं कि वो हमारे साथ आए तो मिलकर जनाब। और अगर अपने नबूवत के लिए तो कोई यहाँ से खड़ा हुआ कोई शख्स क्या बात करते हैं, मैं कहता हूँ उसकी जूतियाँ अपने सर में रखें। मैंने कहा जिस मसले पर हम इस्तीफा मांग रहे हैं ना, उस मसले पर अगर वो हमारे साथ आकर मुतफिक हो जाते हैं तो फिर जिस मसले पर वो हैं उस पर भी बातचीत हो जाएगी, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि अगर हुकूमत ये सीरियस नहीं ना ले रही कि काजी फायजी साहब का ये जनाब चंद लोग हैं और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये मैं आपको अभी वैसे तकरीर में बताऊंगा और आपको बता रहा हूँ कि ये बात फायजी साहब तक नहीं रखेगी, ठीक है। फिर फायजी साहब के जी, अब ये मुझे तो नहीं पता कौन कौन, मुझे तो लगता है हसीना वाजिद भी छोड़ गई है बरे सगीर, ठीक है। ये ना हो मुल्क छोड़ने के बजाय बरे सगीर भी छोड़ना पड़े। और फिर ये याद रखिएगा गद्दारों को कोई वतन नहीं मिलता, हाँ अपने वतन अपना ही होता है। हम जब हाँ हमारा ये वतन है ना, हम मर जाएंगे इसके खाक में, कहीं हमारी खाक भी मिल गई ना तो हमारे लिए प्यार है। किस किस को सवार होता देख रहे हैं मुझे तो प्यारा पहचान लगा। आखिरी जगह ना बांग्लादेश की आपने बात की, वो काजन का पाकिस्तान अब बंगाली दोबारा पाकिस्तान चुनना चाह रहे हैं। मैंने उनके जितनी उनकी तहरीक चली उसका झंडा देखा है, कैसे हम दोबारा मतलब हमारा दुश्मनी नहीं है लेकिन एक नफरत थी। तो यार मैंने तो पहले भी कहा था कि बंगालियों को पाकिस्तान के साथ जोड़ना, उसके बयान पर बड़ा कॉन्ट्रोवर्सी। आज क्या कहते हैं ठीक है, पाकिस्तान का पर्चम तो वहाँ पे लहराया गया, आपका बयान क्या आया जी, पाकिस्तान का जो पर्चम वहाँ पे लहराया गया तो उनके अंदर मोहब्बत मौजूद है ना, नफरत किसने भरी है। आज यहाँ आप पाकिस्तान का पर्चम नहीं देख रहे, वो कश्मीर का भी है, फलस्तीन का भी है, पाकिस्तान का भी है, सारे पर्चम देख रहे हैं। और इनको अगर इस बात पर लड़ाया गया और इस बात पर या इनको काउंटर किया गया, या वो जो गिरफ्तारियां कर रहे हैं वो समझ रहे हैं कि आज हम ये मुतालबा करेंगे हमारे बंदे छोड़ दें, हम ये मुतालबा करेंगे इनको भी उठा लो, लेकिन खत्मे नबूवत पर पैरा होगा। लास्ट में एक सिर्फ आखिरी डॉक्टर शफीक अमीनी साहब पर हावन मीर साहब ने इल्जाम लगाया, तो डॉक्टर शफीक अमीनी साहब सामना करेंगे, उसका जवाब देंगे। अगर उनका सामना ना कर सके तो हम उनको कटहरे में खुद लाकर खड़ा करेंगे, ये कौन सी बात करते हैं। अगर डॉक्टर साहब पे ये इल्जाम साबित हुए तो खारी तहरीक से नहीं निकालेंगे, हम उनके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, और अगर साबित ना हुए तो फिर हामिद मीर से माफी मांगनी पड़ेगी। हामिद मीर पास हो गए आप करते हैं।